विधानसभा निर्वाचन चुनाव 2023 के लिए नामांकन जमा करने के आखिरी दिन प्रत्याशियों का लेरा लगा रहा, जिसमें मुख्य रूप से पाटन विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी अमित हिरवानी, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से संगीता केतन शाह का नाम भी आया और भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय रूप से अपना आखिरी दिन नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह लगातार सक्रिय रूप से जनता से जुड़ी है और जनता महिलाओं के मुद्दे को वह लगातार उठाते रहेंगे और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता से मिल रही है और जनता का भरपूर समर्थन और प्यार उन्हें मिल रहा है। नहीं, हमने शुरू से ही सोचा था कि 30 तारीख को ही आएंगे, ऐसा कोई नहीं था कि हम उससे पहले आएंगे। मैंने मांग ऐसे नहीं की थी, बट हाँ, दावेदारी सभी करते हैं और एक अच्छा प्रतिनिधि वहाँ का जो कर सके वो ही हमारा एकमात्र लक्ष्य था। तो बस उसके बाद अब हमारा किसी के बारे में इस तरीके से कोई भी सोच या विचार नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम लोग सब मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, हमने तो आज नामांकन भरा, अभी एक दो दिन है, देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी विधानसभा के ऊपर एक आदर्श विधानसभा बनाना है, यही सपना है। तो प्रत्याशी की घोषणा पार्टी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है 27 तारीख को करीबन रात को ही है, 9:30 बजे के आसपास, और पार्टी से अभी नॉमिनेटेड मैं ही हूँ अभी प्रत्याशी पाटन विधानसभा से। पाटन में भी रहा हूँ मैं, फुंडा में, चौक में, ऐसे करके धीरे 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 फिर राजनीतिक दलों से मेरा संपर्क हुआ। तो एक इच्छा थी कि कुछ करना है, और किसान तो मैं खुद ही हूँ मैं अपने कार्य से मैं, बट एक जनता के लिए कुछ करना है। जनता के लिए क्या करें, वहाँ जो लोकल समस्या है उस पर कैसे काम करें, लगभग जबकि हम खुद ही गाँव में रहते हैं।